ब्यूटी कैसे बनेगी? ब्यूटी बनेगी द वे यू इनटेक थिंग्स, फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना पीना नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत कुछ है, आपके इमोशंस हैं, आपका बिहेवियर है। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है पूरा एक पैकेज है। तो ये जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ज़रूरियातें ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, उनमें से कुछ चीज़ों के टॉपिक्स मुझे दिए जाते हैं कासिम अली शाह कासिम भाई की जानिब से कि ये टॉपिक है, अब बताओ इसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू कासिम भाई कि हमेशा मौका मिलता है मैं यहाँ पे आती हूँ, अपने वर्ड्स शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही अपोलोजाइज करूँगी, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक ग्रूमिंग ट्रेनर हूँ, मैं सिर्फ एक इमेज कंसल्टेंट हूँ। जब मुझे टॉपिक मिलता है तो मैं अपनी रिसर्च करती हूँ। हमारा हर महीने में एक सेशन होता है, ये मेरा थर्ड बैच है। मैं अपनी जो ब्यूटी इन्हांसमेंट और जो पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ले आती हूँ। तो इस दफ़ा जो मेरे पास टॉपिक है, अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू चिल्तन प्योर कि जो प्रेजेंटेशन मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ ये चिल्तन प्योर की जानिब से है। ये जो टॉपिक होता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मेरे पास आता है और उसके ऊपर प्रेपरेशन होती है कि आप ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन उसको इन्हांस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमारी ज़िंदगी की वो चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा चाहिए, हमारी ज़रूरत है, हमने उसको कैसे पूरा करना है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा जो है बेसिक टॉपिक है। हेल्दी लाइफस्टाइल जो बेसिकली बेस करता है, वो बेस करता है दो चीज़ों पे, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे। फिज़िकल हेल्थ आप लोगों को पता है जो आपकी पर्सनालिटी है और जो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस है, दैट इज़ कॉल्ड योर फिज़िकल हेल्थ, दैट शोज़ योर फिज़िकल हेल्थ। दूसरा है जी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ है वो आपके इमोशंस और आपका बिहेवियर जो आप प्रेजेंट करते हैं, जो आप शो ऑफ करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं कि रिएक्ट करते हैं कि रिप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बेसिकली ये आपकी मेंटल हेल्थ शो करती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप देखें कोई बंदा है तेज़ी तेज़ी से खाना खा रहा है तो वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती, दैट शोज़ हिज और हर मेंटल हेल्थ। इसी तरह और बहुत सारा आपका बिहेवियर में चीज़ें होती हैं जो आप शो करते हैं, उससे लगता है कि आप इस वक्त नॉर्मल नहीं हैं, आपका इस वक्त जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है। तो ये होती है मेंटल हेल्थ। अब फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ किस चीज़ पे बेस करती है? तो वो मैंने देखा कि ये चीज़ बेस करती है आपकी क्वालिटी स्लीप के ऊपर। बड़ी अजीब बात है, रिसर्च करना शुरू की मैंने, तैयारी करना शुरू की सेशन की, मैं लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गई अपनी ज़ात में कि यार क्या है ये। अब स्लीप डिपेंड कर रही है आपके पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर कि परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है क्वालिटी स्लीप के ऊपर, इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ूंगी, ये हम एंड में करेंगे। आप लोग पूरा सेशन लेकर मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ है बेसिकली, आपकी बॉडी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है क्वालिटी स्लीप पे या स्लीप डिपेंड कर रही है उसके ऊपर। साइंस ऑफ स्लीप के बारे में मैंने पढ़ा, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जस्ट नॉलेज ली, कुछ डॉक्टर्स वगैरह से डिस्कस किया कि मैं ये शेयर करने जा रही हूँ। मेरे सेशन में जो लोग होते हैं वो पढ़ाई को पसंद करने वाले बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, तो मेरे मुँह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि अगला कहेगी जी पता तो है नहीं, डाइस के सामने आके खड़ी हो गई है। तो माजरत चाहूँगी अगर कुछ आपको लगे, बहुत इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, अगर कहीं लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उसमें एक जो हमारा स्लीप का हॉर्मोन है वो है मेलाटोनिन। किसी को पता है इस बारे में? मेलाटोनिन अगर तो ज़्यादा रिलीज होता है वो भी नुकसानदेह, आप ज़्यादा सोते रहते हैं क्योंकि वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, और जब आप ज़्यादा सोते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में ज़्यादा आप गबी हो जाते हैं, आप ज़्यादा एनोय पर्सनालिटी बन जाते हैं और उससे रिएक्ट होती है आपकी स्किन, और इसके अलावा और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी हेल्थ और मेंटल वो इफ़ेक्ट होती हैं। अगर ये मेलाटोनिन का जो हार्मोन है ये नॉर्मल रिलीज होता है बैलेंस में तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि अगेन फिर वही चीज़ आ जाती है, अगर मेलाटोनिन का हार्मोन नॉर्मल रिलीज़ नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? जो आपके सोने के बाद और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी से तो फिर वो रिलीज़ नहीं होते, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके रिलीज़ होने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप जब सोए नहीं हैं
सोने के कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, आपकी क्वालिटी स्लीप है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट द थिंग इज़ कि अगर मेलाटोनिन की मकदार ठीक नहीं है तो जो बाकी हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए और वो आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी है, उसको इफ़ेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करके रख देता है और उस चीज़ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपनी पर्सनालिटी के अपेयरेंस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं आजकल। स्किन ख़राब हो गई है तो फौरन जाएंगे वो अपने स्पेशलिस्ट के पास पता करने के लिए कि मेरी स्किन का ट्रीटमेंट कर दें। खुदारा आप एक दफ़ा ये तो सोचें कि मेरी स्किन ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि एक बहुत बेसिक जो मैंने डॉक्टर से, मेडिकल डॉक्टर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा जो स्किन ख़राब होती है उसका बहुत ज़्यादा जो वो डिपेंड करती है आपकी नींद के ऊपर। आपके हार्मोन्स नॉर्मल रिलीज़ नहीं होते, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। स्किन ख़राब होती है तो हार्मोन क्योंकि नॉर्मल रिलीज़ नहीं होते, वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, डिप्रेशन से भी स्किन इफ़ेक्ट होती है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम ऊपर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, अंदर की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करते। तो ये हमने देखना है कि अगर अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उसको जड़ से पकड़ा जाए, बाद में हम कुछ और जो है वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करें। हमारा जो बाकी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन है, जिसमें आपकी बॉडी डे के टाइम पे परफॉर्मेंस दे रही होती है, आपकी बोन्स और बॉडीज़ की ग्रोथ होती है। आपके क्या है कि जो बॉडी आपकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स करती है, ऑब्वियसली कौन बनना नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होता होगा। हम ऑफिसेस में काम करते हैं, वी आर प्रोफेशनल्स। ख़वातीन वो घर में जो काम करती हैं, मैं कहूँगी वो ज़्यादा प्रोफेशनल है। भाई घर को चलाना कोई आसान काम थोड़ी होता है, तो उनके अपने स्ट्रेसेस होते हैं, मर्दों के अपने स्ट्रेसेस हैं, प्रोफेशनल्स के अपने हैं, अनप्रोफेशनल्स के अपने हैं, घरदारी करने वालों के अपने हैं। तो आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, उस अपने स्ट्रेस टाइम को कैसे हैंडल करते हैं, तो ये हैंडल करना जो है, फिर वो आपके हार्मोन जब इम्बैलेंस होते हैं तो आपका सारा सिस्टम ख़राब होता है। देन आपका जो ये एपेटाइट को कंट्रोल करता है हार्मोन, फिर वो भी इफ़ेक्ट होता है। तो फिर क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी हेल्थ तहस नहस हो जाती है। सिम्टम्स, कॉजेज, सॉल्यूशन एंड ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे, बट सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या हम डिटर्मिन कर सकते हैं इस चीज़ को कि हमारी जो नींद है वो परफेक्ट है? और अगर हम डिटर्मिन कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है, तो वो किन बेसिस पे पता चल सकता है? हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि यार हमारी भी नींद ख़राब है, हम जो स्लीप ले रहे हैं दैट इज़ नॉट क्वालिटी, ये एक पुअर स्लीप है, या मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ सोने के लिए। तो हमें सबसे पहले तो ये डिटर्मिन करना है सर कि आपकी जो स्लीप है आया वो क्वालिटी है या पुअर है। तो हम जाएंगे सबसे पहले हाउ टू डिटर्मिन स्लीप क्वालिटी। अगर रात का टाइम है, दो तरीके से, रात के टाइम पे भी आपने बॉडी की परफॉर्मेंस देखनी है और डे के टाइम पे भी बॉडी की परफॉर्मेंस को आपने जज करना है। नाइट टाइम जो है, अगर तो आप रात को सो रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, आप बार बार करवट ले रहे हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आपको नींद जल्दी नहीं आ रही, रात को कई बार आप उठ रहे हैं, बार बार आप उठ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बार उठ जाते हैं, नाइट मेयर हो सकता है, कोई रीज़न हो सकती है, या फिर बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 3 से 4 बजे आपकी आँख खुल जाती है, उसमें आपने अलार्म नहीं लगाया हुआ, कोई काम नहीं है, कोई नियत नहीं है, लेकिन बगैर वजह के आप जल्दी उठ जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन सोने के बाद आपकी जो बॉडी है वेल रेस्टेड फील नहीं करती। ये 4 रीज़न्स अगर तो आपके रात के सोने के टाइम पे हैं तो यू कैन डिटर्मिन इट ईजीली कि आपकी जो स्लीप है वो एक नॉर्मल स्लीप नहीं है, वो एक पुअर स्लीप है, आप सुकून से नहीं सो रहे। डे टाइम में आपकी जो बॉडी की परफॉर्मेंस है बहुत थके हुए हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्टमक का इशू है, या स्टमक लूज़ हो गया है, या कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है, तो ये आपकी डे टाइम की बॉडी परफॉर्मेंस है। तो भाई आपको ये जज करना पड़ेगा कि आपकी स्लीप जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप एग्री करते हैं, अक्सर ये होता है हम लोगों के साथ कि हम लोग रात को सुकून से सोए नहीं होते, सुबह ऑफिस आते हैं और स्टमक पेन है, नौजिया हो रहा है, तो फिर हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि रात को मैं सुकून से सोया नहीं, ऐसे होता है ना कि मैं रात को सो नहीं सकी, क्या कॉजेज़ थी, क्या कॉजेज़ थी जिसकी वजह से मैं सो नहीं सकी या सो नहीं सका। कॉजेज़ ये हो सकती हैं, हेल्थ इशू हो सकता है। देखिए यहाँ पर आके जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गई कि यार कॉजेज़ में ही आपकी सॉल्यूशंस हैं।
तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि आपने कॉजेस देखनी है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोई ऑफिस का स्ट्रेस है, एन्जाइटी है, डिप्रेशन है, या आप किसी मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपकी जो स्लीप है वो पुअर होगी, उसकी क्वालिटी पुअर होगी। सेकेंड, अगर आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा आपका माइंड हाइपर एक्टिव है, आपने कोई बहुत प्रोडक्टिव काम है जो आपने रात के टाइम पे किया हुआ है, और अब आप सोच रहे हैं कि सुबह उठकर मैंने ये करना है, तो स्ट्रेस से आपको नींद नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सुबह सुबह कोई टीवी शो करने जाना है या मैंने सुबह सुबह कोई सेशन देने जाना है, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा दिमाग पूरी रात काम कर रहा होता है कि आया मैं सेशन अच्छा दे सकूंगी, मैं टाइम पे पहुंचूंगी या नहीं, कहीं ये ना हो कि अलार्म बजता रहे और मैं सोई रह जाऊँ। तो वो कश्मकश में जब मेरा दिमाग होता है और हाइपर एक्टिव होता है, फिर मुझे नींद नहीं आती। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू हो सकता है। हाइजीन का जो इशू है, हाँ, लोग हाइपोटेंसी वर्क जो है, अगर आपने कोई हाइपोटेंसी वर्क किया है, फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आपने हैवी बैग उठा लिए, या आप जिम चले गए, आपने वेट लिफ्ट कर लिया, हाइजीन में आपका पर्सनल हाइजीन भी हो सकता है और आपकी इन्वायरमेंट की जो हाइजीन है उसके ऊपर भी हो सकता है इशू। फॉर एग्जांपल आपका रूम क्लीन नहीं है, आपका जो आप खुद क्लीन नहीं है, रात को सोने से पहले अगर आप नहा लें, तो आप यकीन करें कि आपका आधा स्ट्रेस जो दिन का है वो तो ख़त्म हो जाता है। ये जगह आपकी, यहाँ पर जब पानी का पड़ता है कतरा, तो आपको सुकून आ जाता है, आप कुछ देर के लिए उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं जो पूरे दिन का आपने स्ट्रेस लिया होता है। तो ये हाइजीन में आपका पर्सनल और एनवायरमेंटल आ गया कि रूम क्लीन नहीं है, तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की बात है कि आप सफाई पसंद हैं कि नहीं है, ये भी तो होता है ना, मतलब अगर आप सफाई पसंद हैं और कमरा आपका साफ़ नहीं है, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, और रूम टेम्परेचर, जहाँ पर आप सो रहे हैं उस जगह का टेम्परेचर। नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर है आपके कमरे में या कमरे के बाहर, आपके कमरे में आवाज़ें आ रही हैं, उस वजह से आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ईटिंग हैबिट्स, या तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लिया है, या फिर आपने खाया ही नहीं है। अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्टमक कि आपको आदत है कि आप अपने कम खाए हुए पेट के साथ सो सकें। मैंने सुना है कुछ लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है जब उनका खाली पेट होता है, और उसके साथ ही कुछ लोग जिन्होंने खाना खाया, तो वो कहते हैं खाना खाने के बाद नींद आ जाती है। हमारे गंदों में ये, ठीक है, मैंने यहाँ तक सुना है। तो ये आपकी ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। कैफीन की कंजम्पशन, ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। निकोटीन, अल्कोहल का तो यहाँ पर कोई इतना शुक्र है इतना नहीं है इस्तेमाल, लेकिन हमारे यहाँ कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। टी, कॉफ़ी, ऑब्वियसली आप इस पर बहुत ज़्यादा आजकल डिपेंड करते हैं। नट्स बहुत हैवी होते हैं, और इनको रात में डाइजेस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने नट्स खाने हैं, तो आप सिर्फ बादाम खा सकते हैं, 3 से ज़्यादा बादाम ना खाएं। अगर आपने 7-8 बादाम रात को खा लिए, आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, और फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। लाइफस्टाइल जी, हमारा क्या आदत है कि हम कहते हैं कि जी हम गैजेट्स अपने पास रखते हैं, हम अपना मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, हम कहते हैं नींद आएगी तो सो जाऊंगी, ऐसे ही नींद आएगी तो सो जाएंगे। माओं को सारा दिन टाइम नहीं मिलता है, आप बच्चों के साथ ड्यूटी कर रहे होते हो या आप ऑफिसेज में लगे होते हो, तो रात को आपको टाइम मिलता है, तो आप रात को ही अपनी जो भी आप लोगों ने चीज़ें सर्च करनी या कुछ भी करना होता है वो आप लोग उस पर कर रहे होते हो। तो क्या होता है कि गैजेट्स को आप अगर दूर रख दें, और आप अपना जो टीवी वॉच टाइम है उसको कंट्रोल करें बिफोर यू स्लीप, 2 घंटे पहले अगर आप इन चीज़ों को अपने से दूर कर दें, तो आपकी नींद पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऑनगोइंग वरीज, बिजनेस की प्रॉब्लम है, जॉब का इशू है, घर के इश्यूज हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज आजकल बड़े आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, और दूसरा फैक्ट है एजिंग। जाहिर है कुछ एक उम्र भी होती है, आप उम्र के साथ साथ आपने देखा है हमारे यहाँ जो जब हम ज़्यादा एज के हो रहे होते हैं, तो हम उतने ही थोड़े लेज़ी होते जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और वो एक्टिव होने की वजह से उनकी नींद बहुत अच्छी जा रही होती है और हर चीज़ बड़ी स्मूथली चल रही होती है, तो एजिंग का भी एक फैक्टर है। अच्छा, हाउ मच स्लीप डू यू नीड? अच्छा, इसमें पूरा स्लीप चार्ट दिया हुआ है, कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक आपको स्लीप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप प्रेजेंटेशन की इस पार्ट को मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगी, यहाँ पर जितने एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं उनको मैं कवर करूँगी। आपके साथ ये शेयर हो जाएगी कासिम अली शाह फाउंडेशन की जो हमारी YouTube चैनल है उस पर, 8 से 9 घंटे की जो स्लीप है
वो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, चलिए मिनिमम आप 7 घंटे कर लें, अगर आप बहुत हाइपर एक्टिव हैं या आपके पास सोने का टाइम कम है, तो 7 आवर्स जो है वो आपके लिए आइडियल टाइम होता है कि आपको उतनी नींद लेनी ही लेनी है। अगर आप अपने जिस्म के डिमांड के मुताबिक नींद नहीं लेते तो वो आगे जाकर आपकी बॉडी में बहुत बुरा इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर बहुत मज़े का काम शुरू होता है टिप्स एंड ट्रिक्स का। अच्छा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है कि हम लोगों ने एक क्वालिटी स्लीप कैसे लेनी है, क्या क्या करना पड़ेगा क्वालिटी स्लीप लेने के लिए। जनाब, सबसे पहले तो कमरे के इंटीरियर से स्टार्ट करती हूँ। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपने अपने कमरे के इंटीरियर्स की तरफ अगर नज़रसानी करनी है तो रूम्स के लिए जो कलर्स हैं ना वो बड़े लाइट सेलेक्ट करें, ताकि आपको उसमें से एक पीस, क्योंकि आपको पता है रंग भी जो है वो रंगों की भी एक साइंस है, ये भी आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, इनकी भी एक ज़ुबान है। आप देखें डार्क कलर्स की तरफ जाएं, आप कमरे का ऑरेंज रेड, कभी देखा किसी के कमरे का रेड या ऑरेंज कलर? नहीं देखा ना कोई, क्योंकि वो कलर बहुत शार्प होते हैं, वो आपके मिजाज पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं। तो आपने जो कमरे का कलर है उसको सेलेक्ट करते हुए ये जहन में रखना है कि वो बहुत न्यूट्रल कलर होना चाहिए। वो ऑफ वाइट हो सकता है, वो ग्रे हो सकता है, वो बेज हो सकता है, लाइट टोन्स में चले जाएँ। रूम की लाइट्स भी बहुत अफेक्ट करती हैं आपके ऊपर। अब आपने ये देखना है कि आपके दिमाग पर बल्ब की लाइट अफेक्ट कर रही है कि वाइट लाइट अफेक्ट कर रही है। तो वो आपने जो लाइट्स आपके कमरे में होनी चाहिए वो बहुत लाइट होनी चाहिए। हमारे यहाँ आजकल सॉल्ट लैंप्स बहुत इफ़ेक्टिव एक चीज़ आ गई हुई है। आपको पता है सॉल्ट लैंप के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। आई डोंट नो मिथ है कि रियलिटी है, बट मैं मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट की कि जो सॉल्ट लैंप है वो आपके कमरे की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। तो आप रात को अगर अपने कमरे में सॉल्ट लैंप जला लेते हैं, लाइट सा हैवी ना करें आप, तो उसमें आपके कमरे में जितनी नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म होती है। तो कोशिश करना चाहिए, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जादू के अगर असरात कमरे में पाए जाते हैं तो वो भी ख़त्म होते हैं। आई डोंट नो मिथ है क्या है, बट ये कि दिल के सुकून के लिए आपको जो चीज़ अट्रैक्ट कर जाए, तो सॉल्ट लैंप जो है उसका आप इस्तेमाल शुरू करें। वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है रूम में। तो और लाइट्स के बजाय बेहतर होगा कि आप सॉल्ट लैंप की तरफ चले जाएं, उसमें भी डिफरेंट लाइट्स होती हैं, वाइट लाइट है, लाइट ऑरेंज लाइट है, येलो लाइट है, जो आपके आपको सुकून देती है वो लाइट। क्योंकि कुछ लोग जो जिनको माइग्रेन का इशू होता है उनके लिए जो ऑरेंज लाइट्स होती हैं और जो सन की लाइट होती है ये बहुत हॉरेबल होती है, क्योंकि जैसे ही अचानक से आपको एक श्वा पड़ती है और आपका जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी के साथ वो प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। स्पेशियस प्लेस नॉट फुल ऑफ थिंग्स। अगर आपने अपने रूम की एनवायरमेंट अच्छी बनानी है तो कोशिश करें उसमें कम से कम सामान भरें। लोगों ने कमरे को भरा होता है, वॉल भी नहीं छोड़ी होती, शादी की तस्वीरें भी लगा दी अपनी, अपने बचपन के दोस्तों के साथ तस्वीरें लग गई, नाना दादा की सारी यादगिरी कमरे में आ जाती है। मैं कहती हूँ वो उसके लिए कोई अलग गैलरी रहने दें। आपके घर में कोई ना कोई ऐसी जगह होगी, एंट्रेंस है वहाँ पर गैलरी है, उधर प्लेस कर दें। तो अपने कमरे को आप जितना पुरसकून रखेंगे उतना अच्छा है। और कोशिश करें कि अल्लाह का नाम, इसके किते जो इस्लामिक किते होते हैं वो अपने कमरे में ना लगाएं, क्योंकि ये बेदबी हो जाती है। आपने लेटना है, खाना काबा का रुख बड़ा मैटर करता है कहाँ पे है कैसे, और फिर आप अपने कमरे में बड़े इजी होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के फ्रेम्स आप अवॉइड करें और अपना जो आपका रूम है उसमें सिर्फ वो सामान प्लेस करें जिसकी आपको ज़रूरत है। स्पेशियस रहने दें ताकि आपका भी दिमाग स्पेशियस रहे, यू नो। अब ये देखें जी, पर्सनल एंड रूम हाइजीन, क्रिएट अ रूम दैट्स आइडियल फॉर स्लीपिंग, क्लीन रूम, बेड एंड योर सेल्फ डेफिनेटली। ये तो नहीं होगा कि कमरा साफ है और आपका अपना जो है वो आपको पता ही नहीं है कि आप खुद किस हद तक क्लीन है। तो कोशिश करनी चाहिए, आप यकीन करें बाहर का जितना स्ट्रेस है, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं बाहर की, वो सब निकल के बाहर आ जाती है जिस वक्त आप घर आते ही शावर लेते हैं। तो प्लीज़ शावर आपने लाजमी लेना है। क्लीनलीनेस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आगे मैं आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ मज़ीद, आपने कमरा साफ ना किया और वहाँ पर आप खुशबू फैला रहे हो तो खुशबू से कोई इफ़ेक्ट नहीं होना। जब तक आपका कमरा क्लीन नहीं है, आपके कपड़े क्लीन नहीं हैं, अपना कोई स्मूथ सा ड्रेस रात को सोने के लिए रखें, अपने आप को फुल पैम्पर करें, खुदा का वास्ता है आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने थेरेपी करनी है, आप अपनी थेरेपी करनी है। आप आज कसम खा कर जाएं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं बहुत अहम हूँ।
मेरी अहमियत बहुत है, अगर मैं ना हूँ घर पर तो पता नहीं क्या होगा। अपने आप को इम्पॉर्टेंस देना शुरू करें, आप देखें आपकी ज़िंदगी के आधे मसले ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ पर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगते हैं ना, प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ पे। अपने आप को पैम्पर करें, अल्लाह मियाँ ने आपको जैसे बनाना था बना दिए, अब आप कैसे प्रेजेंटेबल बनते हैं ये आप अल्लाह को जवाब दे होंगे। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रही, ये वाकई बात है कि आप अल्लाह को जवाब दे हैं कि उसने आपको ज़िंदगी अता की तो आपने उसको कैसे गुजारा। अपनी ज़िंदगी के कुछ कानून कवानीन कोई बनाएं और उसके तहत ज़िंदगी गुजारें। आपने नमाज पढ़नी है, आप यकीन करें बड़े लोग होते हैं जो बेरोज़गार हो जाते हैं। कोरोना ने कितनी कितनी जॉब्स ख़त्म किए, कितने काम ख़त्म किए, लेकिन हैट्स ऑफ टू दोस जिन्होंने अपने उस टाइम को भी क्वालिटी टाइम बनाया। कैसे बनाया? आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं, आप वॉक कर लेते हैं, आप घर के कामों में घर वालों की मदद करते हैं, आपका आधा दिन वहीं पे चला जाता है, आधा क्या पूरा दिन चला जाता है। लोगों की मदद करें, लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें, ना कि किसी को खुश देख के परेशान हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग हर चीज़ कवर कर रहे हैं सेशन में, बिहेवियरल इश्यूज़ भी हमारे, क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ की बात की है। तो मेंटल हेल्थ कैसे होगी? दूसरों को खुश देख कर आपको खुशी होगी तो आप समझें आप एक मेंटली तौर पर हेल्दी पर्सन है। नो साउंड और सोलफुल म्यूज़िक सेलेक्शन, अब डिपेंड्स ऑन कि अगर तो आपको कोई म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक से लगाव है, तो आई एम टेलिंग यू म्यूज़िक जो है उसमें अगर सोलफुल थीम्स हैं तो वो आपकी नींद के लिए आपको बहुत सुकून अता करता है। रोज़ मत लगाएं, रोज़ ना लगाएं, कभी कभार थेरेपी ज़रूर लिया करें अपने कमरे में खामोशी से, कोई ना कोई म्यूज़िक जो आपको पसंद है हल्की आवाज़ पर लगाएं और देखें भूल जाए सारी दुनिया का स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस नहीं है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, सिर्फ आप हैं, आप सबसे ज़्यादा खुश हैं। आंखें बंद करके ये थेरेपी करें, मैं हूँ, मेरा कमरा है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो आप यकीन करें कि उसके बाद जब आप उस चीज़ से वापस आएंगे तो जो प्रॉब्लम्स आपकी होंगी वो आपको प्रॉब्लम लगेंगी नहीं। अल्लाह मियाँ प्रॉब्लम्स देता है भाई, सॉल्यूशन भी देता है। हम पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते, क्या होगा भाई, उसने प्रॉब्लम डाली है, ईमान पुख्ता रखें, हो जाएगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में नेमत होती हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने के लिए आती है। मुझे आज भी याद है मेरी जॉब छूट गई ऑफिस, मैंने नई नई जॉब शुरू की थी, जॉब्स की पॉलिटिक्स का पता नहीं होता था और मेरे ऊपर एक छोटे से इशू के ऊपर मेरे एक डायरेक्टर ने, मैं टीवी चैनल पे जॉब करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि जो हो तुमने तो ये कर दिया तो हम तुम्हारी जॉब ख़त्म। मैं आई और मैं 3 दिन तक मैं इतना रोती थी कि घर वाले परेशान हो गए कि यार इतना क्या रोना, क्यों रो रही है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है जो इतना परेशानी हुई है। छोटी बहुत थी उस वक्त, तो मुझे लगा कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब शायद नौकरी नहीं मिलेगी। और टीवी मीडिया में अगर आपके ऊपर कोई केस होता है तो फिर आपको कोई चैनल हायर नहीं करता, और मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा ही ओवरवर्थ समझ लिया उस चैनल को। आप अचानक से यकीन करें कि 5 दिन के रोने धोने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं तो अपना ईमान पुख्ता रखती हूँ अपने खुदा पर, मुझे इसके बाद जो मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, जो वक्त मुझे मिल रहा है वो गोल्डन टाइम है, पता नहीं जब मुझे नेक्स्ट टाइम नौकरी मिले तो मुझे ये वक्त मिले या ना मिले, तो बेहतर है कि मैं इस वक्त को बहुत क्वालिटी टाइम बनाऊँ। तो मैंने अपनी हेल्थ केयर बड़ी अच्छी की, मैंने लोगों के साथ मिलकर सोशल वर्क बहुत किया। 6 महीने परेशानी होती थी बीच में, वो एक दौरा होता है ना कि यार क्या इतना पढ़ लिख के क्या करना है, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 6 महीने के बाद अचानक से एक बहुत बड़े टीवी मीडिया चैनल, दुनिया टीवी, जो लोगों का ख्वाब होता है कि मेरी नौकरी लग जाए, तो मुझे पता चला इंटरव्यू हो रहा है और मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए। जब मैं वहाँ गई हूँ तो मैंने देखा मुझसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहाँ पर बैठे हुए थे और वो काम कर रहे थे। मैंने कहा ले भाई कुछ भी ना हुआ, उन्होंने रिटन पेपर थरमाया और मैंने रिटन पेपर फिल किया और टेस्ट था हमारा, पेपर दिया और मैं आ गई। मैं रास्ते में आ रही हूँ, मैं बड़ी परेशान आई, मैंने कहाँ होने लगा है, कुछ भी नहीं होगा। कहीं कहीं पे आपकी अक्लमंदी होती है कि आप, मैं गई तो मैं जाते जाते अपने वो 6 महीने का जो टाइम स्पैन जिसमें मैंने सोशल वर्क किया था, आर्टिकल्स लिखे थे, मैगजीन्स में इंटरव्यूज़ छपवाए थे, रेडियो में काम किया, वो सारा मैं बंडल उठा के साथ लेकर गई। मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी परेशान है कि मेरे पास तो कोई सिफारिश नहीं है, दुनिया टीवी में मुझे कौन रखेगा। और मुझे हंसी आए कि मैं किस कदर बेवकूफ़ हूँ कि मैं जॉब के लिए चली गई जबकि मेरा तो बैक स्ट्रांग नहीं है। आप यकीन करें मैं घर पर पहुँचती हूँ, मुझे घर पहुँचने से 5 मिनट पहले रिक्शे में बैठी हुई थी मैं,
और मुझे कॉल आती है HR डिपार्टमेंट से कि मुबारक हो, आपकी सिलेक्शन हो गई. 10 मिनट तक तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं इतनी काबिल हूँ कि मुझे इतने बड़े इदारे ने ऑफर कर दी और मेरी जॉब शुरू हो गई. बड़े बड़े जर्नलिस्ट रह गए और मेरी नौकरी हो गई. मेरा ईमान बहुत पुख्ता हो गया. उसके बाद मेरा करियर चलता गया चलता गया. और आप यकीन करें, हमेशा ऐसे होता था, एक नौकरी जाती थी, 4 महीने के गैप के बाद उससे बेहतरीन अल्लाह मियाँ मुझे अता करता था. और उसकी वजह से मेरा आज इतना यकीन पुख्ता है कि मेरा कोई काम ना भी हो तो मैं कहती हूँ इसके बाद जो मिलना वो बड़ा अच्छा है, भी इंजॉय कर लो. ठीक है ना, ये बहुत मज़े की बात है. एनीवेज, बात कहाँ से निकली और कहाँ पे चली गई. सॉफ्ट कलर लाइट स्विच ऑन व्हाइल स्लीपिंग. अच्छा, ये वो जो मैंने आपको बोला है अभी कि आप कोई लाइट कलर की लाइट है वो अपने कमरे में जो है उसका स्विच ऑन करें और वो आपके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है. अच्छा, फ्रेग्रेंस इम्पॉर्टेंस पे आ जाते हैं. हाइजीन का हो गया, ठीक है, कि कैसे आपने अपने आप को क्लीन रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, आपके एनवायरनमेंट को आपने क्लीन रखना है. लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, जो मैंने कहा था ना कि खुशबू मैटर नहीं करती जिस वक्त तक कि सफाई ना हो, खुशबू उस वक्त मैटर करती है जब पहले सफाई कर ली हो. तो अब ये दूसरा स्टेप आता है. बखूर बहुत खूबसूरत एक चीज़ है. जैसे आपको मैंने बोला है कि सॉल्ट लैम्प नेगेटिविटी ख़त्म करती है, बखूर भी आपके कमरे से हर तरह के जरासीम, हर तरह का जो कीड़ा है, हर तरह की जो बुराई है उसको ख़त्म करती है. आपने वो वर्ड सुना हुआ है, धूनी देना. ठीक है, सबको पता है हम लोगों की लैंग्वेज में ऐसा के वर्ड्स बड़े मज़े मज़े के होते हैं. आपने बखूर को जस्ट उसका एक कोयला मिलता है छोटा सा खुशबू वाला, आपने कोयले को जला के उस इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टर के ऊपर लगाना है और उस कंटेनर को आपने पूरे कमरे में ऐसे ऐसे करके दीवारों में, अलमारियों में, इवन के हर जगह पे आपने एक खूबसूरत फ्रेग्रेंस वो आपके पूरे कमरे में पैदा कर देता है. कोशिश कीजिएगा कि वो जो खुशबू है अगर आपने अपनी अलमारी में दी है तो आपके सारे कपड़ों में वही खुशबू आ जाएगी. उससे अच्छा कोई परफ्यूम नहीं है. तो वो आप जो है वो थेरेपी है एक बहुत अच्छी, वो आप अपने कमरे में करें. कमरे में क्या, मैं तो कहती हूँ पूरे घर में करें, क्योंकि मैं खुद अपने घर में बखूर जो है वो चला के छोड़ देती हूँ कमरे में, पूरा घर उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाता है और वो एक इतनी ज़बरदस्त फील होती है. ये आप लोगों ने ज़रूर करना है. एयर फ्रेशनर्स तो लोग यूज़ करते हैं, अब ज़रा बखूर की तरफ आकर देखें. नॉर्मली सऊदीया से मिलता था लेकिन अब ये है कि अलबलाग़ यहाँ पर कोई स्टोर है वहाँ से मिल जाता है, बड़े बड़े स्टोर्स में अवेलेबल. आप हाइपर स्टार चले जाएं, वहाँ पे एक इस्लामिक सेंटर बना हुआ है, वहाँ से आपको कंटेनर्स मिल जाते हैं. अच्छा, इसमें फिर आपके जो एनवायरनमेंट में यूज़ फॉर प्लेजेंट एनवायरनमेंट, ये उसमें आ गया कि आपने अपने इर्द गिर्द उसकी जो है वो धूनी देनी है और वो जला के रखना है. मिस्ट योर पिलो. अच्छा, ये पिलो मिस्ट है, वैसे तो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं. आज गुड न्यूज़ ये है कि चिल्टन वालों ने हमें ये मिस्ट आप लोगों के लिए फॉर गिफ्ट दिया है. आज आप जाओगे तो आप सबको वो एक चिल्टन का मिस्ट मिलेगा जिसको आपने अपने पिलो पे लगाना है. अच्छा, इस पर 3 दफ़ा लिखा होगा 3 स्ट्रोक. ये उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि नहीं 3 नहीं, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं तो फिर आप सिर्फ 1 मिस्ट 1 स्प्रे करें अपने पिलो के साइड पर. तो आपने इसका एक बिल्कुल जो है ना वो करना है. इसकी ख़ास बात क्या है, मिस्ट तो ये है, इट्स अ लिवेंडर मिस्ट. लिवेंडर जो होता है उसका असेंशियल ऑयल या उसकी हर जो चीज़ है वो आपको स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है. आपके स्लीप हार्मोन को जो है रिलीज़ होने में मदद देता है और आपके दिमाग को पुरसकून करता है. तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें. आप इस मिस्ट को लगाएंगे, आप जब सोएंगे तो आपको फ़ौरन सुकून से नींद आ जाएगी. आपको याद होगा कि मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी का जो है बड़ा जिक्र किया था. रिफ्लेक्सोलॉजी एक टर्म है जो बेसिकली आम सी लैंग्वेज में कहा जाए तो ये मसाज है. आपके हाथ और आपके पाँव में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर अगर आप मसाज करें तो वो आपके जिस्म के इंटरनल फंक्शन को एक्टिव करता है, बल्कि सेहतमंद करता है, हेल्दी करता है. तो जो लेवेंडर की बात हो रही है, लेवेंडर का बताती चलूँ, इट्स एन एसेंशियल ऑयल, इट्स नॉट अ करियर ऑयल. जब भी एक रूल है, जब भी आपने कोई एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना है उसको डायरेक्टली आपने मसाज के लिए अप्लाई नहीं करना, आपने उसके अंदर कोई ना कोई करियर ऑयल ऐड करना है. तो बेस्ट करियर ऑयल जो है वो है ऑलिव ऑयल.
आप इसके बीच में ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आपने मसाज के लिए अच्छी खासी क्वांटिटी ले ली ऑलिव ऑयल की, उसके अंदर यू विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर के जस्ट आपने थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करने, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसको आपने मिक्स करना है और उसके बाद रात को ख़ास तौर पर सोने से पहले अपने पाँव पे अच्छे तरीके से मसाज करना है। आपने इतने अच्छे तरीके से मसाज करना है कि आप एक टाइम नोट करके रख लें कि मैंने 10 मिनट तक अपने पाँव का मसाज करना है। 10 मिनट तक मसाज करने के बाद जब आप सोएंगे तो आपकी नींद बहुत क्वालिटी होगी। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हम लोग एक गलती करते हैं, हमारी तबीयत ख़राब होती है और हम सबसे पहले कहते हैं कि हल्की सी भी तबीयत ख़राब हो गई, गर्मी लग गई है, सर्दी लग गई है, नॉर्मल चीज़ें हैं ना, अब हमने बीमारी को हवा ज़्यादा बना लिया, क्योंकि कोरोना ने और डेंगू जैसी बीमारियों ने हमें डराया भी बहुत है। एग्री करते हैं ना इस चीज़ से? हम हर चीज़ की जो इलाज है ना वो ढूंढते हैं डॉक्टर के पास, हर चीज़ का इलाज। अब पुराने वक्तों में देखें, हमारी नानियाँ दादियाँ ज़रा सर में दर्द होती थी, कहती थी आओ बैठो मैं सर में तेल लगा दूँ, खुश्की हो गई होगी, आओ मैं कान में तेल डाल दूँ, हाथ पांव की मालिश कर देनी। मुझे पिछले हफ्ते याद है, मेरी इसी तरह मेरी, क्योंकि मैं काफ़ी गर्मी में कहीं गई और गर्मी लग गई मुझे, मैं घर आई और पहले मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर पे चली जाऊँ, दूसरा दिन है तबीयत ठीक नहीं हो रही। ऐसे मेरे जहन में आया कि मैंने जो डॉक्टर को जाके फीस देनी है, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं वही पैसे जो है ना, वो जो एक बच्ची आती है घर में उसको बुलाती हूँ कि आके मेरे सर पर तेल डाल दे। आप यकीन करें, वो बच्ची आई, मैंने उसे अपने सर पे तेल लगवाया और मैं आधे घंटे के बाद ऐसे था जैसे मैं दुनिया में आ गई, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी आंखें नहीं खुल रही, और आधे घंटे के सर के मसाज के बाद मैं बिल्कुल ज़िंदा होकर बैठ गई। मतलब अब आप सोचें, अगर मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने हमेशा रिफ्लेक्सोलॉजी की टर्म को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए किया है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, देखिए 3,000-4,000 से कम कोई डॉक्टर की फ़ीस नहीं है, आउटडोर में भाड़ में जाएं भाई, आपकी तबीयत वैसे भी ख़राब हो सकती है, आप जाएं किसी अच्छे से मसाज सलून के पास, आप वहाँ पे जाके उतने ही पैसे भले दें, उतने देने नहीं पड़ेंगे, उससे कम ही देने पड़ेंगे, जाके 1.5-2 घंटे का बॉडी मसाज लें, पैरों का मसाज कराएं, हाथों का मसाज कराएं, सर का मसाज कराएं, फिर आपने मुझे मैसेज करना है, कसम लग जाए आपको, आपने मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे आके मुझे मैसेज करना है कि अब बताएं आपको कैसा फील हो रहा है। आप एक दफ़ा थेरेपी करके देखें, दिस इज़ रिफ्लेक्सोलॉजी। भई आप हर चीज़ को शरई तौर पे देखते हैं ना, तो आप कभी इस चीज़ को समझें, तबीब की जो हिस्ट्री है उसको देखें, अपनी नानियों दादियों के बारे में सोचें, वो ये चीज़ें करती थी यार, उनको ज़्यादा नॉलेज थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेस्ट मैंने आपको टिप दिया और ये आपने करके देखनी है। ओके, पे अटेंशन टू व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है ना, आप कोई चीज़ नई नई करना शुरू करते, फिर हर एक को बताते हैं मैं ये कर रहा हूँ, उसमें ये नहीं होता कि आप जाके अपनी शेखी मारे कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, आप दूसरों को इसलिए बता रहे होते हैं कि आप भी करें, आपको भी अच्छा इफेक्ट होगा। कोशिश करें कि अपने पेट को थोड़ा सा खाली रख कर खाना खाएं, पानी पिएं। आजकल देखें कितनी सारी वो निकली है ना फूड इनटेक की थ्योरीज, मैंने पिछले दिनों पढ़ा है वाटर डाइट के बारे में, खाएं कम पिएं ज़्यादा। समटाइम्स होता है ये लगी प्यास होती है और हम कहते हैं भूख लग रही है और हम खा लेते हैं, फिर हम खाते ही जाते हैं, फिर हमें बार बार लगता है भूख लग रही है, हालांकि पूरे दिन को अगर रिवाइंड करके देखें, दिन में 2 ग्लास पानी आपने पिए होते हैं और हमें फिर भी शर्म नहीं आ रही होती, लिटरली। तो मैंने ये भी नोट किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया, तो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा ट्रिक बोला, मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखना शुरू कर दो। मंडे और थर्सडे का आप रोज़ा रख लें, अच्छा आपसे रोज़ा नहीं रखा जा रहा, ठीक है फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाएं। रोज़ा रखने का फ़ायदा इसलिए कि आप ज़्यादा थोड़े से वो दीनदार भी हो जाते हैं, आपको फील होता है कि आप इस वक्त रोज़े से हैं और ये वो, तो ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी हो रही होती है। तो अगर नहीं हो रहा तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आ जाएं, आप एक टाइम स्पैम बना लें, सुबह 12 बजे से लेकर 7 बजे तक खाऊंगा, बाकी सारे दिन पीऊँगा, तो क्या होगा कि 7 घंटे का जो टाइम मिलेगा उसमें आप कितना खा लेंगे, डाइट हो गई कंट्रोल। जब आप खाते साथ सो जाएंगे तो फिर आप कैसे सोचेंगे आपको नींद आएगी, क्योंकि पेट नहीं सोएगा,
ठीक है, आपने लेट खाया होगा तो पेट पहले हजम करेगा फिर सोएगा, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपना ये स्टफ़ देखें कि आप क्या स्टफ़ कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, टाइम क्या है। खाना खाने के 3-4 घंटे छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर आप जाकर सोएं। तो आप कोशिश करें वो जो टाइम हम देखते हैं ना कि 7 बजे लोग खाना खा लेते हैं, उस पर देखें उनकी लाइफ कितनी एक्टिव है, क्योंकि उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक नहीं कर रहे होते। ये मुझे एक ज़बरदस्त पाउडर के बारे में इन्होंने बोला है, चिल्तन वालों ने, इनका एक पाउडर है वेलेरियन रूट, ये बेसिकली एक रूट का पाउडर है, प्योर रूट पाउडर है। इसकी अगर आप 1/2 टीस्पून ले लेते हैं रात को सोने से पहले, लेकिन मज़े की बात ये कि मैंने उनके एक्सपर्ट से बैठ के पूछा कि मुझे थोड़ा सा इसकी नॉलेज दे दें, उन्होंने कहा मैंने जितनी भी दवाइयाँ थी ना जो लोग नींद के लिए खाते हैं, मैंने देखा कि उसमें ऐसी कौन सी चीज़ सिमिलर पाई जाती है जो हर दवाई में और लोग खा रहे हैं, तो उसमें ये पाउडर था। तो इस पाउडर की हमने वो रूट ली है, उसको पीसा है, उसका पाउडर बनाया है। अच्छा, ये खाने के लिए उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है पर्सनालिटी के ऊपर, उन्होंने कहा है कि ये आपने 2 हफ्ते तक खानी है, 2 हफ्ते में आपने रोज़ रात को 1/2 टीस्पून खाना है, उसके बाद फिर आपने कहीं जाना नहीं है। कोशिश करें कि आप अपने बेड पर ही ये 1/2 टीस्पून इसका लें, उसके ऊपर पानी पी लें, उसके बाद फिर आपने उठना नहीं है, क्योंकि ये फ़ौरन आपको नींद लाने के लिए आपको थोड़ा ढीला करेगी। तो ये आप ले सकते हैं, इट्स वेरी हेल्दी, लेकिन जस्ट फॉर 2 वीक्स, नॉट मोर देन 2 वीक्स। उसके बाद उन्होंने कहा फिर वो रिएक्ट करना शुरू करता है मैदे को, क्योंकि भले ही ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है लेकिन नेचुरल चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। लिमिट डे टाइम नैप्स, थोड़ी थोड़ी देर बाद सो जाना, छुट्टी है, चलो छुट्टी है तो थोड़ी देर बाद देख, खवातीन में खासतौर पर ये बात पाई जाती है, हंस रही हैं ठीक है कि थोड़ी देर बाद लेट जाते हैं, अच्छा थक गए, अब किचन से काम करके आए हैं, थक गए, वो थक में सारा दिन सोई रहती है, रात को कितनी नींद नहीं आ रही, ठीक है, फिर कितनी डिप्रेशन हो गया, नींद नहीं आती, शायद इस वजह से डिप्रेशन हुआ है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आप जब बार बार जिस्म को रेस्ट देंगे तो रात को फिर जिस्म रेस्ट नहीं लेगा। दिन में आपने जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़रूर ऐड करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने अपना जो माइंड है वो हाइपर एक्टिव नहीं रखना रात के टाइम पे सोने से पहले। तो कोशिश करें कि आप शाम को अगर वॉक करें तो उसके बाद आपको 5 से 6 घंटे होने चाहिए जिसमें आपकी बॉडी एक नॉर्मल सिस्टम की तरफ आए, ताकि फिर आप सोने की तरफ जा सकें। वरीज अगेन दैट, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ईमान पक्का होना चाहिए कि आती हैं और चली भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अल्लाह पे ईमान पुख्ता रखना है, आपने देखना है आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है उसमें बहुत बेहतरी होती है। पहले हम चले गए थे सबसे पहली स्लाइड की तरफ, अगर जाएं तो हमने अपनी फिज़िकल हेल्थ की तरफ बात की थी, फिर हमने बीच में इमोशनल को कवर किया, ये मेरी आखिरी स्लाइड है। विद दैट, इतनी मेहनत कर ली आपने अपनी खुराक के साथ, अपनी जिस्मानी सेहत के साथ, जहन से भी कुछ चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, ये ईगो, ये जेलसी, ये एरोगेंस, यकीन जाने निकाल कर देखें किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जलेंगे आप तो आपकी सेहत ख़राब होगी, ईगो आप दिखाएंगे प्रॉब्लम आपको होगी, एरोगेंस आपके अंदर है तो प्रॉब्लम आपको होगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। यू हैव टू बी पॉजिटिव, आप एक दफ़ा पॉजिटिव होकर देखें, दुनिया आपके आगे पॉजिटिव मूव करेगी। लोगों को आपके ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि लोग अपने दिल की बात आपके साथ कर सकें, लेकिन आप इतने भी शीरी नहीं बनेंगे कि आप सुन के सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेंगे। इतना मीठा रहें लोगों के साथ कि वो आपसे शेयर कर सकें, लेकिन हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करना ये इतना हेल्दी नहीं है। कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, उनको पर्सनल रहने देना चाहिए, इससे कबाहतें बढ़ती हैं। आप बात करेंगे इनसे, ये बात करेंगे इनसे, ये बात करेंगे आप दोनों से, और बातें फैलती फैलती फैल जाएंगी, वो पर्सनल नहीं रहेंगी। तो कुछ बिहेवियरल आपके ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें आपकी ईगो, जेलसी, एरोगेंस ख़त्म कर दें, देख लीजिएगा बहुत बेहतर होगा।